नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि स्टेप रिले को कैसे यूज किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि इंटरनल मेमोरी बिट को कैसे यूज करते हैं और इन सबको कितना टाइप ऑफ बीट यूज होता है MIPS BC में, इसके बारे में काफी डिटेल में बताया था। अगर उन सभी लेक्चर को नहीं देखें तो कृपया उसको देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और आज हम स्टेप रिले को यूज करना सीखेंगे। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए लेटेस्ट अपडेट फाइंड आउट करने के लिए। आज हम स्टेप रिले को यूज करेंगे जिसका रेंज हमारे पास है 0 से लेकर 4095, मीन्स ये डेसिंग का रेंज है और टोटल हमारे पास 4096 स्टेप रिले यूज किया जा सकता है। इसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है, देखिए सीक्वेंस ऑपरेशन में यूज किया जा सकता है और जनरल पर्पज के लिए भी यूज किया जा सकता है। मेमोरी बिट हम केवल जनरल पर्पज के लिए यूज करते हैं, बट ये सीक्वेंस ऑपरेशन और जनरल पर्पज दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके रेंज को भी हम चेंज कर सकते हैं। ये भी जान सकते हैं कि हमारा कितने से कितने नंबर का स्टेप रिले लैच है और कितने से अनलैच है। तो इसके बारे में समझने के लिए अब हम आते हैं अपने GXWorks 3 पर और हम ये समझते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। जैसे आप न्यू पेज पे ओपन होंगे, ये पैरामीटर पे आना है। पैरामीटर पे आने के बाद आपको FX PipeU CPU पे आना है। FX PipeU CPU जैसे ओके करेंगे तो CPU पैरामीटर पे जाना है। CPU पैरामीटर जाने के बाद मेमोरी एंड डिटेल डिवाइस सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद डिटेल सेटिंग को ओके कर दीजिए। डिटेल सेटिंग ओके करने के बाद मैं इस पे आ जाता हूँ, हाई स्पीड एरिया सेटिंग में। यहाँ पे आने के बाद डिटेल सेटिंग पे आइए और डिटेल सेटिंग आने के बाद हम जो स्टेप रिले यूज करें, देखिए ये हमारा जो स्टेप रिले 4096 है और हमारा जो लैच स्टेप रिले है 500 से स्टार्ट है। इसके रेंज को आप नहीं चेंज कर सकते क्योंकि सेकंड लैच का सेटिंग नहीं दे रखा है, जबकि मेमोरी में दे रखा था। मैंने ये बताया था कि इंटरनल मेमोरी बिट को कैसे सेट करते हैं, ये रेंज मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, आइडिया लग जाएगा। बार बार लेक्चर में बताते जाएंगे तो लेक्चर बड़ा होते जाएगा, तो आप समझ सकते हैं। तो आज हम स्टेप रिले को यूज करेंगे और हम ये आज सीख लिए कि 500 से लेकर 4095 तक के जितने के बीच में स्टेप रिले यूज होते हैं वो हमारे लैच है और 500 से कम का जो स्टेप रिले है मींस S0 से लेकर S499 तक हमारा नॉन लैच स्टेप रिले है। तो इसको यूज कैसे करना है, जिस तरह मेमोरी बिट यूज करते हैं उसी तरह हम स्टेप रिले यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने लिख दिया LD space S0, तो सेम टू सेम ये वही काम करेगा जो मेमोरी बिट की तरह काम कर रहा था, OUT OUT Y0। अब मैं यहां से OUT Y0 लिखना था, OUT Y0। तो ये हमारा देखिए जिस तरह मैं अभी S0 को प्रेस करूंगा आउटपुट Y0 मेरा ऑन हो जाएगा। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे नॉर्मली लिख देता है आदमी व्यक्ति कि M0 M1 M2, इसी तरह आप S0 भी यूज कर सकते हैं, S100 आप यूज कर सकते हैं, जो चाहे वो आप यूज कर सकते हैं, OUT OUT Y1। तो आप ये यूज कर सकते हैं, ये स्टेप रिले जनरल पर्पज स्टेप रिले है। और अगर मैं यहां से LD S500 यूज कर लेता हूं और OUT Y10 यूज कर लेता हूं तो भी ये हमारा, ये जो हमारा स्टेप रिले 500 है ये हमारा लैच स्टेप रिले है और हमारा S0 और S100 जो है नॉन लैच स्टेप रिले। तो जिस तरीके से आप मेमोरी बिट यूज करते हैं उसी तरह से आप स्टेप रिले भी यूज कर सकते हैं। बट ये सीक्वेंस ऑपरेशन का क्या मतलब है वो भी मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि ये सीक्वेंस ऑपरेशन का क्या मतलब है कि इसको आप STL इंस्ट्रक्शन में भी यूज कर सकते हो। STL इंस्ट्रक्शन, यहाँ शिफ्ट के साथ इंसर्ट प्रेस करेंगे यहाँ पे रो मिल जाएगा। सपोज मैंने लिख दिया LD S 199, कुछ भी आप लिख सकते हैं LD S 199 और मैं यहां से एक STL इंस्ट्रक्शन यूज कर सकता हूं, STL, आप यहां पे S300 या फिर कुछ भी। मींस देखिए अगर आप STL इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं तो जो आपने NO लिखा है इससे ज्यादा होना चाहिए। इससे ज्यादा कहने का मतलब आपने 199 यूज कर लिया तो आपका नेक्स्ट जो STL इंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे S200 यूज करेंगे, इससे कम नहीं यूज करेंगे। तो ये देखिए STL, ये हमारा STL, ये सिक्वेंस ऑपरेशन होता है। सीक्वेंस ऑपरेशन के लिए हम STL इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। STL इंस्ट्रक्शन एक बिग टॉपिक है, अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो इस पे एक दो क्वेश्चन जो लेडर लॉजिक बेस होंगे तो STL इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करेंगे वहां पे आपको आइडिया लगेगा। फिलहाल मैं समझा रहा हूँ कि STL इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज किया जाता है। वंस अगेन मैं यहाँ पे लिखूँ LD M0 X0, कुछ भी लिख सकते हैं, और मैं STL इंस्ट्रक्शन को कैसे मीन्स सीक्वेंस ऑपरेशन में यूज करेंगे STL। अब देखिये अगर मैं यहाँ पे लिखूँ M0 या फिर M1 कोई भी मेमोरी बिट तो ये ओके नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इंस्ट्रक्शन इज देखिए द इंस्ट्रक्शन आर डिवाइस इज इनकरेक्ट। अगर आप STL इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं
तो आपको एस के ही फॉर्म में यूज करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी यूज करेंगे तो वो आपका यूज नहीं हो पाएगा। सपोज मैंने जो जो भी मैं बीट बीट लॉजिक बता रहा हूँ, देखिए एक्स वाई एम एस बी एस बी एल एफ कुछ भी यूज करिए, एस को छोड़ के अगर मैं बी यूज कर लू, एल यूज करूँ, एफ यूज करूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा एसटीएल इंस्ट्रक्शन में। वंस अगेन मैं प्रोग्राम पे आता हूँ, अब देखिए यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एफ जीरो इंटर, ये इसको भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एल जीरो तो इसको भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ एग्जिस्ट करेगा एस जीरो को, मीन्स एस के स्टेप रिले को ही एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं एस यहाँ पे 4000 लिख देता हूं तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, सॉरी यहाँ पे एस लिखना है, एस 4000 तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। एसटीएल इंस्ट्रक्शन हमारे केवल स्टेप रिले के साथ एग्जिस्ट होता है, तो इस तरीके से हम स्टेप रिले और या फिर मेमोरी बिट में अगर नॉर्मल ऑपरेशन करना चाहते हैं, अगर विदाउट एसटीएल इंस्ट्रक्शन यूज करना चाहते हैं तो आप एस जीरो एस वन या फिर एस 4000 कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट इसको एनओएनसी के फॉर्म में यूज करेंगे। अगर आप एसटीएल लिखते हैं, मीन्स ये इंस्ट्रक्शन आप यूज करते हैं, तो आपको एस ही लिखना पड़ेगा, इसके अलावा आप कोई मेमोरी बिट या फिर अदर आप कोई भी जो स्टेप रिले के अलावा कुछ भी अगर बीट है उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये लिमिटेशन था एसटीएल इंस्ट्रक्शन का, और डिटेल में समझने के लिए इस पे बेस लेटर लॉजिक का क्वेश्चन मिलेगा, तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टेप रिले को कैसे यूज करना है। बाकी काफी डिटेल में मैंने आपको डेल्टा वाले लेक्चर में बताया, वहां से अगर एसटीएल इंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं तो आप मिसबीसी में इजिली यूज कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जिसपे मैंने एसटीएल बेस पे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं तो उसको आप देख लीजिए एक बार, आपको एसटीएल इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करना है आपको आइडिया लग जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।